आज मैं इस पत्ते से पकौड़ा बनाऊंगा। आप लोग देख रहे हैं, ये लहसुन की तरह ही है लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी है। और ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट वगैरह होते हैं उन लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत सारा काट लिया मैंने, इसमें हो जाएगा। हमारे घर पे इतना आदमी नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं है, मम्मी है, बहन है, घर पे भैया और मैं, हम 5 लोग के लिए काफ़ी है। इतना से हो जाएगा, दूसरा आइटम भी बनाना है मुझे। इसको लेके जाता हूँ अभी, अभी बाद में क्या करूँगा आप लोग को दिखाऊंगा। अभी चीज़ है इसको, मैं हम लोग का यहाँ पे नन्नम वगैरह बोलते हैं इसको। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत भी अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। इसको मैं पकौड़ा बना के रेडी कर रहा हूँ अभी इसको। अभी इसमें थोड़ा मिर्ची काट के डाल लूंगा। अब मिर्ची जा रहा है इसमें, एक साथ मसाला रेडी हो रहा है। ज़्यादा मिर्ची नहीं डालूंगा, तो मिर्ची का पाउडर थोड़ा अभी मिलाना है मुझे। हो गया अभी रेडी, मैं दूसरा मसाला में ऐड करूंगा। अभी ऐड करके बेसन वगैरह मिला के इसको रेडी करता हूँ। अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसमें पहले बेसन मिला रहा हूँ। बेसन जो क्वांटिटी चाहिए वही मिलाऊंगा, जैसे 4-5 लोग खा सकते हैं उसी तरह से। हो गया रेडी, और थोड़ा तो डाल देता हूँ, ज़्यादा कम हो गया इसमें। इसमें थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। मिर्ची का पाउडर सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। इसमें थोड़ा सा हल्दी हल्दी मिलाना चाहिए, इसका कलर निकलता है हल्दी मिलने से। और अब इसमें जीरा का पाउडर, जीरा का पाउडर ज़्यादा देना होना चाहिए, ये ऑलरेडी टेस्टी है ये पौधा। अभी इसके बाद थोड़ा सा नमक, नमक हाथों से दूंगा क्योंकि मुझे उतना हाथों से मिल जाता है, उसका क्वांटिटी कितना देना है। चम्मच से नहीं दे सकता, चम्मच से देने से मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। हाथों से देने से उसका आइडिया लग जाता है कितना देना है कितना नहीं। हो गया उसका रेडी, अभी इसमें थोड़ा सा पानी दे के अभी इसको रेडी करता हूँ। पहले इसको ऐसे मिला दो, सब एक साथ मिलना चाहिए, बाद में पानी इसके साथ मिलाऊंगा। ऐसे मिला दिया मैंने पहले इसको, मिला दिया। अभी इसमें पानी डालूंगा, पानी और भी थोड़ा सा पानी मिला रहा हूँ। पानी दे के इसको रेडी करता हूँ। रेडी अच्छी तरह से मिलना चाहिए, तब जाके पकौड़ा अच्छा बनता है। कोरियन चीज हम लोग को यहाँ पे तो बहुत अलग अलग भाषा है इंडिया में, लेकिन हम लोग का यहाँ पे इसको नन्नम वगैरह बोलते हैं। कुछ भी अच्छा तो मेरा मम्मी अच्छी तरह से बनाती है, लेकिन मैंने माँ के पास से ये सब सीखा मैंने। उसके बाद ये पकौड़ा हमने खुद बनाता हूँ। अभी रेडी हो गया हम लोग का मसाला, तो इसको रख देते हैं हम लोग। अभी जाके गैस ऑन करेंगे हम लोग। इसमें तेल जा रहा है,
थोड़ा सा तेल डाल इसमें, जितना क्वांटिटी रहेगा उतना ही डालूंगा, जो रहेगा दूसरा तरकारी वगैरह बनाऊंगा उससे। यह हो गया इसका तेल का क्वांटिटी। अभी थोड़ा सा नमक यूज करेंगे इसमें, नमक देने से तेल ज्यादा नहीं लगता पकौड़ा में, इसलिए अभी गर्म हो गया है तो इसमें पकौड़ा का मसाला जो है वो जाने के लिए रेडी है। अब जा अब दूंगा मैं यहाँ पे पकौड़ा का मसाला। इसके पहले इसको थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूँ इसका, गैस का। अभी जाएगा 1 2 3 ज्यादा बाहर नहीं करूंगा, बड़ा होने का टेस्ट नहीं होगा। मीडियम साइज का हमसे टेस्ट होता है, हमेशा पकड़ा मीडियम में हमसे ज्यादा बड़ा होने से क्या होगा, उसके अंदर का जो है वो ऐसे ही मतलब कि वो फ्राई नहीं होता है अंदर में, इसलिए मीडियम होना चाहिए। दूसरा साइज से ये थोड़ा पक जाएगा। देखो कितना अच्छी तरह से हो रहा है, किसी को खाना है तो आ जाओ यार, खा लो कोई बात नहीं। ये देखो इसको दे रहा है, थोड़ा इसको फ्राई होने देते हैं हम लोग। अभी आई थिंक ये पकौड़ा हो बन गया है, इसको निकालता हूँ इसके बाद देखने में लग रहा है। अभी इसमें पूरा सब पकौड़ा रेडी है। अभी थोड़ा सा पापड़ जो है इसमें फ्राई करूंगा, अभी थोड़ा सा पापड़ फ्राई कर लेता हूँ। पकौड़ा के साथ पापड़ होने से बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा गाजर टोमेटो और खीरा वगैरह रहने से और भी अच्छा लगता है। निचोड़ के जो ऑयल है वो नीचे जाने देता हूँ, ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, ऑयल वगैरह ऑयल ज्यादा ऑयली खाए होंगे तो फिर सो फर्ज बढ़ सकता है खुद का। ये पापड़ भी फ्राई करके रेडी है, अभी हम लोग भाई और मैं मिलकर खाएंगे अच्छी तरह से। अभी गैस को ऑफ कर देता हूँ, कर लेता हूँ पहले गैस को। अभी मम्मी को दूंगा थोड़ा सा रेडी करके इसको, मम्मी खाएगी तो बहुत अच्छा लगे मुझे। इसको अच्छी तरह से इसको डिजाइन करता हूँ मैं, थोड़ा सा नींबू नींबू रखूंगा और इसमें अभी थोड़ा सा धनिया भी दे दूंगा मैं, धनिया देने से ऐसे इसको रेडी हो गया हम लोग का डिश। अभी मम्मी खाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का व्यू सब्सक्राइब करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना ज्यादा हो उतना शेयर कीजिए और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
ऐसे ऐसे डिश बनाऊंगा आप लोग को दिखाऊंगा। शुरू किया है मैंने पहली पहली बार, अभी आप लोग को दिखाऊंगा और भी। थैंक यू सो मच, आप लोग ने मेरे वीडियो को देखा इसलिए, और मेरी मेरी थैंक्स एंड लव यू।